सावन के महीने में पार्वती ने शिवजी से पूछा कि प्रेम का असली अर्थ क्या है। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में लेकर के आया हूं एक छोटी सी कहानी। इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे कि प्रेम किसे कहते हैं और प्रेम का असली अर्थ क्या है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है। सज्जनों, कहते हैं जहां दो प्राणियों की आत्मा का मिलन होता है वहीं प्रेम होता है, जहां दो लोग एक दूसरे के लिए तड़पते हैं वहां प्रेम होता है, जहां दो लोगों के लिए एक दूसरे के लिए तड़प होती है वहीं प्रेम होता है। प्रेम एक पवित्र बंधन है। बताया है कि प्रेम और प्यार में बहुत अंतर है। प्यार मन से किया जाता है और प्रेम आत्मा से किया जाता है। प्रेम भाई बहन का होता है, प्रेम माता पुत्र का होता है, प्रेम पिता पुत्र का होता है और प्रेम पति पत्नी का भी होता है। लेकिन दोस्तों, आजकल के जो लोग हैं वो प्रेम के लिए कुछ और ही दृष्टि से देखते हैं, कुछ हवस के पुजारी बन जाते हैं और हवस के लिए ही प्रेम कहते हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं होता है। जहां प्रेम होता है वहां हवस की तो बात पास कभी आती ही नहीं है, वहां हवस होता ही नहीं है, और जहां प्रेम नहीं होता है वहीं हवस होता है। क्योंकि दोस्तों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि महादेव ने माता पार्वती को जो पाठ पढ़ाए थे वह जीवन परिवार और शादीशुदा जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसमें न केवल जोड़ों का एक दूसरे के प्रति समर्पण, प्यार और सम्मान साफ दिखता है, बल्कि इस तरह रिश्ता निभाने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती है। दर्शक बंधु, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि विदेशियों की तर्ज पर ही भारत में अपने प्रेम को जाहिर करने की शुरुआत हुई थी। हालांकि प्रेम की पराकाष्ठा के लिए किसी विदेशी संदर्भ की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती का जीवन ऐसा है जिसमें न केवल खूब सारा प्यार सम्मान और एक दूसरे के प्रति समर्पण देखने को मिलता है, बल्कि उनका वैवाहिक जीवन सच्चे प्रेम का प्रतीक भी माना है। जैसा पार्वती और शिवजी में प्रेम था, उस प्रेम के लिए अगर ये शादीशुदा लोग सुनते हैं, बताया है कि जैसा पार्वती और शिवजी में प्रेम था वह प्रेम एक सच्चा प्रतीक है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि माता पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी ही नहीं थी बल्कि उनकी शिष्या भी रही हैं। वह अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए अक्सर महादेव से ऐसे ऐसे प्रश्न को पूछती थी जो आज के समय में शादीशुदा विवाहित लोगों के लिए तौर तरीके सीखने में मदद कर सकता है, जो आज के समय में जोड़ों के लिए यानी शादीशुदा लोगों के लिए तौर तरीकों को सीखने में मदद कर सकते हैं। तो मित्रों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि प्रेम का असली अर्थ क्या है, प्रेम का रहस्य क्या है, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल होने वाली है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो के लिए बिना स्किप किए हुए पूरा ही सुने, वीडियो को अधूरा छोड़ करके मत चले जाना, और नहीं तो आपको जानकारी पूरी प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रेम के बारे में आपको सही जानकारी लेनी है, सही जानकारी प्राप्त करनी है कि प्रेम का रहस्य क्या है, प्रेम कहते किसे हैं, तो इस वीडियो के लिए शुरू से अंत तक ही सुने, तभी आपको प्रेम के बारे में जानकारी मिल पाएगी। तो आइए मित्रों, अब शुरू करते हैं कि भगवान शिवजी ने माता पार्वती के लिए प्रेम का रहस्य किस तरीका से समझाया है, प्रेम होता क्या है, प्रेम का वास्तविक रूप क्या है। ये सारी बातें प्रेम के बारे में भगवान शिवजी ने माता पार्वती के लिए किस तरह से बताई हैं, किस तरह से समझाई हैं, देखेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मित्रों बहुत महत्व रखता है। तो चलिए मित्रों, बिना विलंब करते हुए जानते हैं प्रेम का रहस्य। दर्शक बंधु, एक समय की बात है, सावन का महीना चल रहा था, जैसे अब सावन का महीना शुरू हो गया है, भगवान शिव की पूजा शुरू हो चुकी है, भगवान शिव जी के ऊपर जलाभिषेक होना प्रारंभ हो गया है, इसी तरीका से सावन का महीना चल रहा था। तो सावन के महीने में एक दिन देवी पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा कि हे प्रभु,
इस दुनिया में प्रेम क्या है, प्रेम का रहस्य क्या है, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है। तो दोस्तों, पार्वती के इस तरीका से पूछने पर भगवान शिव जी कहने लगे कि हे देवी, तुमने जो पूछा है वो बहुत ही अच्छी बात पूछी है। तुमने जो प्रेम के बारे में जानने की जिज्ञासा की है, मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। आइए हम तुम्हें बताते हैं कि प्रेम का रहस्य क्या है, प्रेम कहते किसे हैं, प्रेम का वास्तविक स्वरूप क्या है। दोस्तों, इस विषय पर चर्चा करते हुए भगवान शिव जी कहते हैं कि हे देवी, इसे भविष्य में किस तरह देखा जाए। इस सवाल का महादेव जवाब देते हुए कि प्रेम क्या है ये तुम पूछ रही हो पार्वती, जवाब दिया, हाँ प्रभु, मैं ही पूछ रही हूं कि प्रेम क्या है। तो भगवान शिव जी कहते हैं कि सत्य तो ये है कि प्रेम के अनेकों रूप को तुमने ही उजागर किया है, तुमसे ही प्रेम की अनेक अनुभूतियां हुई हैं, तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर शामिल है। दोस्तों, भगवान शिव की बातें सुनकर माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, क्या इन विभिन्न अनुभूतियों की अभिव्यक्ति संभव है। तो इस पर भगवान शिव जी कहते हैं कि हे देवी, सती के रूप में जब तुम अपने प्राण त्याग कर मुझसे दूर चली गई थी, तब मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व सब निराधार हो गया था, उसका कोई आधार नहीं रहा था। मेरी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी थी और तुम्हारे अभाव में मेरे अधूरेपन की अति से इस सृष्टि का अपूर्ण हो जाना ही प्रेम है। तुम्हारे और मेरे पुनर्मिलन कराने हेतु इस समस्त ब्रह्मांड का हर संभव प्रयास करना ही प्रेम है। तुम्हारा पार्वती के रूप में फिर से जन्म लेकर मेरे एकांकीपन और मुझे मेरे वैराग्य से बाहर निकलने पर विवश करना ही प्रेम है। खैर, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि कई सालों की तपस्या और तमाम तरह की बाधाओं को पार करने के बाद ही शिव पार्वती का विवाह हुआ था। मित्रों, ऐसे में आज हम भगवान शिव और माता पार्वती के जीवन से उन प्रेम युक्तियों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें हम अपने संबंधों में शामिल करके अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दर्शक बंधु, भगवान शिव और माता पार्वती का पवित्र बंधन बताता है कि एक बार जब आप किसी के साथ रिश्ते में होते हो तो हमेशा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए अपने रिश्ते को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अपने आप को न केवल उस रिलेशन में पूरा समर्पित कर दे, बल्कि आपसी तालमेल के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाने पर भी जोर दे। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि एक अच्छे रिश्ते में दोनों भागीदार आगे बढ़ने और बदलने के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, जिनके बीच ऐसा नहीं होता वहां हमेशा प्यार की कमी रहती है। दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती के रिश्ते में इस चीज को आसानी से देखा जा सकता है कि जब दो लोग एक रिश्ते में होते हैं तो वहां कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता। इस रिश्ते में सहजता के साथ एक अपनापन होना चाहिए, जो दो लोगों के लिए हमेशा एक डोर में बांध कर रखता है, वही प्रेम है, वही प्रेम का रहस्य है। हालांकि शादीशुदा रिश्ते में गलत व्यवहार को अपनाना बहुत ही गलत है। यही एक वजह भी है कि प्यार के लिए किया गया आचरण मर्यादित हो सकता है। वहीं जहां प्यार नहीं होता वहां इंसान अपनी मर्यादा को लांघने में कोई देरी नहीं करता है। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बहुत कम जोड़ों की पसंद आपस में मिलती है, यानी बहुत कम शादीशुदा जो लोग हैं उनकी पसंद आपस में मिलती है। पसंद की जगह जाने से लेकर बाहर खाना खाने तक हर कपल्स के बीच अपना अपना मत होता है। हालांकि इस बीच छोटी सी तारीफ की जगह आपस में अनबन, कड़वाहट, तलखी और नाराजगी किसी भी रिश्ते को खराब कर सकती है। छोटी छोटी चीजों पर की गई प्रशंसा न केवल रिश्तों को मजबूत करने का काम करती है, बल्कि कपल्स के बीच यानी एक दूसरे के बीच एक तरह का खास कनेक्शन भी बना रहता है। मित्रों, भगवान शिव और माता पार्वती जन्म जन्मांतर के साथी थे, लेकिन इसके बाद भी वे हमेशा एक दूसरे को जानने का प्रयास करते रहते थे, जो कि आम शादीशुदा लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत से कपल्स का कहना है कि हम साथ रहते हुए एक दूसरे के बारे में सब कुछ तो जान ही जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी रिलेशन में ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिनके अचानक पता चलने का अपना ही मजा होता है, अपना ही आनंद होता है। दोस्तों, इसलिए कहा भी गया है कि अजनबी बनकर अपने साथी को जानना न केवल रिश्ते में एक्साइटमेंट लाता है, बल्कि आप दोनों को एक दूसरे के करीब आने का मौका भी मिलता है। यही प्रेम है, यही प्रेम का रहस्य है।
तो दोस्तों भगवान शिव जी ने माता पार्वती के लिए इस तरीका से प्रेम के रहस्य के बारे में समझाया, प्रेम का अर्थ समझाया, प्रेम का सच्चा स्वरूप समझाया, जिसे सुनकर के पार्वती बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। और उसके बाद में माता पार्वती अपने पति भगवान भूतनाथ के साथ यानी भगवान शिव जी के साथ सीधे कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। तो दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे भगवान शिव जी के समझाने के अनुसार कि प्रेम किसे कहते हैं, प्रेम का रहस्य क्या है, प्रेम का स्वरूप क्या है। अगर आप समझ गए हैं और ये कहानी, ये वीडियो आपके लिए अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना। अब क्षमा चाहते हैं मित्रों, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।